आज हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर का सेकेंड टाइप रेक्टेंगल। आज हम लोग देखेंगे कि रेक्टेंगल कैसे फाइंड होता है। रेक्टेंगल का दो केस होता है, फर्स्ट केस व्हेन रो एंड कॉलम आर इक्वल, सेकेंड केस व्हेन रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल। तो वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम लोग व्हेन रो एंड कॉलम आर इक्वल, देन तब क्या होगा। पहले तो हम लोग काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स में कैसे हम लोग निकालेंगे कि कितना इसमें रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले रो को ऐड करेंगे, ये रो को ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 इनटू कॉलम को फिर ऐड करेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 = 10 इंटू 1 + 2 + 3 + 4 = 10, 10 × 10 = 100। इसमें 100 रेक्टेंगल है, ऐसे फाइंड होगा। और सेकेंड केस देखेंगे व्हेन रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल। पहले हम लोग वन टू थ्री फोर, अब हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो इसमें भी वही होगा कि रो को ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 इंटू कॉलम ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 × 15। दोनों को इंटू करेंगे तो 115 हो जाएगा, 115 इसका आंसर हो जाएगा। एक और केस होता है कि बोलता है कि ये रेक्टेंगल ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिर्फ इसमें से रेक्टेंगल निकालना है। मतलब हम लोग उसमें देख रहे थे कि सबको, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है, रुकिए एक मिनट, ये देखिए ये स्क्वायर बन रहा है ना, रेक्टेंगल तो ये बन रहा है, तो हम लोग इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो इसको इंक्लूड, स्क्वायर को इंक्लूड नहीं करना है, बस हम लोग को रेक्टेंगल इसमें निकालना है कि कितना रेक्टेंगल है। तो उसको निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहले हम लोग निकालेंगे टोटल रेक्टेंगल। तो इसमें क्या होता था कि रो को ऐड करेंगे और इनटू फिर कॉलम को ऐड करेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 इनटू 1 + 2 + 3 + 4, तो 10 × 10, ये 100 हो जाएगा। फिर टोटल स्क्वायर निकालेंगे, टोटल स्क्वायर कैसे निकलता है, तो आप लोग को तो पता है दिस इंटू दिस, तो 4 × 4 + 3 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1, तो ये हो जाएगा 16 + 9 + 4 + 1, सबको ऐड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो सिर्फ ओनली रेक्टेंगल निकालना होगा तो क्या होगा, ओनली रेक्टेंगल 100 - 13, टोटल रेक्टेंगल में से जो भी स्क्वायर उसको घटा देंगे, तो स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो सिर्फ रेक्टेंगल ही ना बचेगा, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अब इसमें बोल रहा है कि ओनली रेक्टेंगल निकालिए, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 1 2, तो पहले हम लोग निकालेंगे टोटल रेक्टेंगल। तो क्या होता है,
रो को ऐड करेंगे 1+2 और इनटू कॉलम को ऐड करके 1+2+3 तो 3 × 6 6 × 3 18 हो जाएगा 18। अब नंबर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, सॉरी टोटल स्क्वायर निकालेंगे, टोटल स्क्वायर तो 3 × this × this × this तो 3 × 2+1 × 2 तो 6+2 8। अब ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या होगा, 18 माइनस 8 यहाँ पर 10 हो जाएगा।